हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। दोस्तों, यह सेशन जो है वो वोकैब के हैं, जिनमें मैं आप लोगों को सिनोनिम्स बताऊंगा, उसके एंटोनिम्स बताएंगे। दोस्तों, वोकैब सेशन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल कंपटीशन के लिए। जितने भी कंपटीशन होते हैं, समय पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो या MBBS का हो या रेलवे का हो या डिफेंस का हो, जितने भी होते हैं सब में महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज के वोकैब। फर्स्ट वोकैब है फैसिनेटिंग। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चित्त आकर्षित, यानी कि आकर्षित करने वाला। इसकी सिनोनिम्स है कैप्टिवेटिंग। नेक्स्ट है एब्जॉर्बिंग। इसके एंटोनिम्स है बोरिंग। इस पर आधारित सेंटेंस है ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन सी हैड इवन स्पोक टू। इसका मतलब हुआ वह सबको आकर्षित करने वाला व्यक्ति भी था जिससे वह कभी बोला करती थी। नेक्स्ट वोकैब है काउंटर। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विरोध। इसके सिनोनिम्स हैं अपोज्ड या अपोजिट। इसके एंटोनिम्स हैं कंप्लीमेंट्री। इस पर आधारित सेंटेंस है आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देर इज नो कंक्लूसिव आंसर। इसका मतलब हुआ तर्क और काउंटर तर्क, यानी कि विरोध तर्क के वर्षों के बाद कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट वोकैब है कॉम्प्लिकेशन। एक नाउन है जिसका मतलब तो जटिल स्थिति। इसके सिनोनिम्स हैं डिफिकल्टी या इंट्रिकेसी। इनके एंटोनिम्स हैं सिंप्लिसिटी। इस आधारित सेंटेंस है टू ऐड फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश स्पीकर्स यूज अ डिफरेंट नेम। इसका मतलब हुआ जटिल स्थिति को जोड़ने के लिए इंग्लिश बोलने वाले ने एक अलग तरह के नाम का यूज किए। नेक्स्ट वोकैब है अनप्रीसीडेंटेड। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व। इसके सिनोनिम्स हैं अनइक्वल्ड या अनमैच्ड। इनके एंटोनिम्स हैं नॉर्मल। इस पर आधारित सेंटेंस है द प्रिपरेशंस वेयर मेड ऑन एन अनप्रीसीडेंटेड स्केल। इसका मतलब हुआ प्रिपरेशन जो है वह अभूतपूर्व इसके मात्रक के आधार पर बने थे। डेल्यूज। नेक्स्ट वोकैब है नॉन है जिसका मतलब होता है सैलाब करना या जलप्रपात या बाढ़। इसके सिनोनिम्स होते हैं भोली या फ्लड। इसके एंटोनिम्स हैं ट्रिकल। इस पर आधारित सेंटेंस है वी रिसीव्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स। इसका मतलब हुआ हमने सैलाब करना या जलप्रपात या बाढ़ के शिकायतों का अनुपालन किए। नेक्स्ट वोकैब है डिलीगेंस। डिलीगेंस एक नॉन है जिसका मतलब होता है ईमानदारी। इसके सिनोनिम्स हैं एसिड्विटी या रिगॉर्ड। इसके एंटोनिम्स हैं लैजिनेस। इसके तहत सेंटेंस है फ्यू पार्टी मेंबर्स चैलेंज हिज डिलीगेंस एज एन MP। इसका मतलब ये हुआ कि एक दल के सांसद एक सांसद के रूप में उनकी ईमानदारी का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट वोकैब है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शानदार। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टिंग्विश्ड या अक्लेम्ड कहते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं अननोन। इस पर आधारित सेंटेंस है द फैमिली वॉज इलस्ट्रियस एंड वेल्दी एंड क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन। इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार जो है वो शानदार और धनी थे और निरंतर रूप से वंश को दावा किया करते थे। नेक्स्ट वोकैब है एग्रेसिव। एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आक्रामक। इसके सिनोनिम्स हैं फोर्सफुल या कॉम्पिटेटिव। इसके एंटोनिम्स होते हैं सबमिसिव। क्या होते हैं सबमिसिव। इस पर आधारित सेंटेंस है वी नीडेड मोर ग्रोथ टू परस्यू आवर एग्रेसिव एक्विजिशंस स्ट्रेटजी। इसका मतलब हुआ हमें अपने आक्रामक अधिग्रहण रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट वोकैब है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुकूल। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑस्पिशियस प्रोमाइजिंग। एंटोनिम्स है इन ऑस्पिशियस। इस पर आधारित सेंटेंस है फाइनली ऑल थिंग्स प्रूव्ड टू बी प्रोपिटियस। इसका मतलब हुआ अंत में सभी चीज़ें अनुकूलता क्या हुए साबित हुए। नेक्स्ट वोकैब है ट्रेजडी। एक नॉन है जिसका मतलब होता है त्रासदी या दुखांत। इसके सिनोनिम्स हैं क्लैमिटी या कैटास्ट्रॉफी। इसके एंटोनिम्स हैं फॉर्चून। इस पर आधारित सेंटेंस है और ट्रेजडी अराइव डैट किल्ड 95 पीपल। इसका मतलब हुआ एक दुखांत या त्रासदी
आया कि 95 पीपल जो है मारे गए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लिखें और अच्छे से सुने। थैंक यू वेरी मच।